फ्रेंड्स, ये है 12 वोल्ट का डीसी मोटर, जिसमें एक प्लास्टिक का छोटा सा हम चौक बना के रखे हुए हैं, जिसको इसमें लगाते हैं तो ये फ्री हो जाता है। तो इसके लिए हमें छोटा सा एक धागा का इसमें हम टुकड़ा लगाएंगे, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में, इसको लगा कर इसको टाइट कर देंगे और उसके बाद इसमें हम लगाएंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। पहले और इसमें यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया है, और इसको कसने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा रिंच दिया गया है, जिसको हम ढीला और टाइट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको लगाने के बाद थोड़ा सा हम इसको टाइट कर लेते हैं यहाँ से, इस रिंच की मदद से, ताकि ये जाम हो जाए इसमें और ये नचे नहीं। इस छोटा सा ड्रिल बिट को हम अब ड्रिल चक में लगाएंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पतला वाला हम लिए हैं, ताकि ये किसी भी चीज़ को होल कर सके। तो चलिए इसमें हम इसमें ऐसे सेट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें सीधा इसको सीधा समा देना होता है, और उसके बाद इसको लगाते हैं इसमें, और इसके बाद लगाने के बाद ऊपर का ये बोल्ट दिया गया है इसे हम कस देंगे इसको। तो चलिए इसको कसने के बाद हम इसको बैटरी से चला कर देखते हैं, और उसके बाद किसी भी चीज़ को होल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बात मैं बता दूं, आप लोग जितना हाई पावर का इसमें बैटरी लगाएंगे उतना ये स्पीड चलेगी, और इसका पावर जो बढ़ेगी तो ये किसी भी चीज़ को जल्द से होल कर सकती है। तो मेरे पास एक बैटरी थी 9 वोल्ट की, लेकिन फ्रेंड्स ये थोड़ी सी डाउन है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी काम करेगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना मस्त ये काम चल रही है, मतलब ये जितना चार्ज बैटरी इस पर लगाएंगे इसका जो पावर जो बढ़ेगी मोटर का, और ये मोटर जो बहुत स्पीड चलेगी फ्रेंड्स, तो इसे कोई भी चीज़ को हम होल आसानी से कर सकते हैं। आप लोग इसे 12 वोल्ट तक की बैटरी पर भी चला सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, ये बैटरी थोड़ी सी लो है, इसके कारण इसमें होल नहीं हो रही। चलिए इसमें दूसरा बैटरी हम लगा के इसमें होल करते हैं। ये मोबाइल की छोटी सी बैटरी है, इसको हम थोड़ा सा चार्ज किए हुए हैं, इसी से हम जोड़ के इसको हम चलाएंगे। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं पहले, तो ये चल रही है फ्रेंड्स। चलिए आप लोग इसे मोबाइल के भी चार्जर से भी चला सकते हैं, जिसका जो पिन काट के आप लगा सकते हैं इसमें जोड़ कर, और वो अच्छा काम करेगा फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छी तरीके से इसमें होल हो रही है फ्रेंड्स। आप लोग इस ड्रिल मशीन से छोटा मोटा लकड़ी या किसी भी प्लास्टिक या किसी भी कूट को होल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा नया ब्लॉग वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा ब्लॉग वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स नए वीडियो देखने के लिए।